सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो में लेकर आया हूं मिनी ब्लॉक्स मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करके आपने माइनक्राफ्ट में तरह तरह के मिनी ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हो गए मिनी डायमंड ब्लॉक या फिर मिनी एंशियंट डेब्री और भी तरह तरह के मिनी ब्लॉक्स। तो चलिए गाइस, मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि आप इन मिनी ब्लॉक्स को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। और तो और एट द एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस मॉड को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई, अगर आपको मिनी ब्लॉक्स अपने माइनक्राफ्ट में मिल जाएंगे तो उनकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी लगती है। और उनको यूज़ करके आप अपनी छोटी मोटी जगह को भर सकते हैं इन मिनी ब्लॉक्स के द्वारा, और उनकी लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको ऑप्टेन कैसे करते हैं। तो क्या इनको ऑप्टेन करने के दो तरीके, पहले तो इनको क्राफ्ट कर सकते हो, मतलब किसी को क्राफ्ट कर सकते हो, किसी को अपने स्टोन कटर से ले सकते हो। तो यहाँ पर जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और तो और बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो पहले तो यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ स्टोन कटर, ढूंढ के आ रहा हूँ भाई, सर्च कर लेता हूँ ना, मेरी थोड़ा पागल इंसान हूँ। तो मैं ले स्टोन और यहाँ पर नीचे मिल जाना चाहिए स्टोन कटर। और यहाँ पर गाइस कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हैं, मतलब सारे के सारे ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हो गए हमारे डर्ट या फिर लॉग और भी तरह तरह के ब्लॉक्स। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे को चाहिए मिनी डर्ट, तो मैंने मिनी फालतू में सर्च कर दिया। सर्च करने का मतलब होगा नहीं, तो हमको उनको क्राफ्ट ही करना पड़ेगा। तो ये रही हमारी डर्ट और यहाँ पे प्लेस करते हैं हमारा स्टोन कटर, और मैंने डबल कर दिया गलती से। तो कोई नहीं, इसके अंदर रखते हैं हमारी डर्ट। और गाइस देखो, हमको मिल चुकी है मिनी डर्ट, इसकी लुक बहुत ज़्यादा ऑसम सी लग रही है। यहाँ पे देखो क्या ही तरह तरह की इसकी लुक है, मतलब इससे जैसे आप स्टोन के बटन रखते हो ना भाटे की जगह, तो उनकी जगह आप इनको रखते हो तो इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगी। और गाइस, जैसे कि आप क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर लैंटर रखते होंगे, मेरे को नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर लैंटर रखना बहुत बढ़िया लगता है, पर इसके ऊपर अगर आप मिनी क्राफ्टिंग टेबल रखते हो तो क्या ही अच्छी लुक आ रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में जाकर जरूर बताना, इसको आप तोड़ भी सकते हो। और गाइस, अगर आप इसके सामने जाओगे तो आप इसके आर पार हो जाओगे, यानी कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं दिखेगा वैसे, मतलब एक कोई ब्लॉक नहीं कह सकता, घोस्ट ब्लॉक है। तो आप इससे छोटा मोटा ट्रैप भी बना सकते हो, कोई मतलब नहीं ट्रैप बनाने का। और गाइस, यहाँ पे क्राफ्टिंग रेसिपीज अवेलेबल नहीं है, तो लिंक से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करिए। तो जाके जल्दी से वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं ग्रास भी ले लेता हूँ, ग्रास ब्लॉक। और भी यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो कि मैं आपको सारे के सारे तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि भाई सारे के सारे दिखाना मुश्किल है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे देखो गाइस, इसके अंदर मैं अगर नीचे गड्ढा बना दूँ ना तो शायद आराम से कोई ना कोई आके गिर जाएगा, क्योंकि भाई एक तरीके से पारदर्शी ब्लॉक है। मैं क्या पारदर्शी क्या कह रहा हूँ। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ये कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे गड्ढा करता हूँ। यहाँ पे हम बड़ी आसानी से इसके नीचे से गिर सकते हैं। देखो मतलब एक तरीके से घोस्ट ब्लॉक भी और उनकी लुक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस, आप इनको अपने कमांड द्वारा भी ले सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिख देना स्लैश गिव एट पी मिनी, और फिर वापस से आपको कोलन देके मिनी लिख देना है, और यहाँ पे आपको जोन सा ब्लॉक चाहिए वो ले सकते हैं। तो क्योंकि सबसे बेस्ट ब्लॉक तो हमको पसंद आया जो कि है मिनी पोर्टल। यहाँ पे लिख देता हूँ PORTAL और यहाँ पे लिख देना हमको ऑन। तो मेरे ख्याल से पोर्टल यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और ये रखा हमारा मिनी नदर पोर्टल, जिसकी लुक देखो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी आ रही। सोचो आप इसको टॉय जैसा बना दो, मतलब टॉय जैसे भी हैं और तो और आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर देते हैं। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो में मजे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप ओके भाई देख के भग जाते हो, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो कोई नहीं गाइस, पर ये मतलब देखो इनका कोई वर्क नहीं, खाली डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, इससे मतलब पता चलता है कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ कर पाते हैं तो आपकी गेम ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लैग होती। तो कोई नहीं, यहाँ पर क्राफ्टिंग रेसिपी तो अवेलेबल नहीं, तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करी है, वहाँ से जाके आपको सारे के सारे सामान जो सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर कैसा अगर हम इसके ऊपर मिनी ब्लॉक रख देते हो, कई लुक आ रही है इसकी, आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मॉड को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दीजिए, जल्दी से आकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टाइप कर देना, आपका माइनक्राफ्ट जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एक्सटेंडिंग की दिक्कत पड़े तो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो बना रखी है टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हैं बड़ी आसानी से, आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है, यहाँ पे जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो गाइस, पहले तो आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको फिर भी कुछ डर है कि भाई हमारी इंपोर्ट प्रोसेस कंफर्म मतलब अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो स्टोरेज ऑप्शन में। यहाँ पर आपको रिसोर्स और बिहेवियर पैक मिल जाएंगे, मिनी ब्लॉक्स BP यानी कि बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक, तो यहाँ पर डाउनलोड करके तो आपको मिल जाएंगे। और फाइल के ऊपर टैप कर देते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट भी आसानी से हो जाएगी, या फिर आप उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपको यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्रिएट करनी है, तो वर्ल्ड क्रिएट करते वक्त यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक्स में मिल जाएगा, माय पैक्स में मिनी ब्लॉक्स RP, एड क्यूट लिटिल ब्लॉक्स टू द गेम मेड बाय डर्प क्राफ्ट।
तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं इनकी जो लुक और माई बिहेवियर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मिनी ब्लॉक्स बीपी तो सिंपली यहाँ पर भी इसको एक्टिवेट कर दीजिए और अपने गेम ऑप्शंस में आपको स्क्रॉल डाउन करके वापस से मिल जाएगा, वापस से का पहली बार ही मिलेगा एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले। और यहाँ पे हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम आर्म्स, एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज तीनों को बारी बारी करके टर्न ऑन कर दीजिए और एट द एंड कर दीजिए क्रिएट। और गाइस जैसे यहाँ पे आप वर्ल्ड क्रिएट कर दोगे यहाँ पे आपको आगे का पता ही हमारी वर्ल्ड खुल जाएगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इनको क्रिएटिव से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और इन सर्वाइवल आप इनको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।